hello everyone welcome back to Crag Grade my name is bhavya so from today onwards we will start a mcq series on pyq of hpsc prelims from 2023 to 19 so the subject will be polity and i am starting with the first question first question is on your screen first question just wait a minute हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर कि मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो लिस्ट वन और लिस्ट टू है ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आर्टिकल्स पर बने हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिलिम्स में तो यहाँ से आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए अब आपको पता है 243 जो ये सीरीज़ चल रही है ये बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की है 243 से लेकर ओ तक जो है वो पंचायत के आर्टिकल्स हैं और पी से लेकर जेड जी तक वो आपके म्युनसिपैलिटी के हैं ठीक है जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला गया बाय सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन टू ओके तो देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल टू फोर्टी थ्री के और तो देखिए 243 कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी 243 फोर्टी थ्री के बेसिकली आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए जैसे आपका सेंटर में इलेक्शन कमीशन है वैसे आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन है ठीक है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बेसिकली पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कराता है ओके सो so, आपके लिए क्वेश्चन है यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किन किन पोस्ट के लिए जो है इलेक्शन कराता है यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन ओके तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कराता है ओके टू फोर्टी आई इसको लर्न करने के लिए मैंने जो ट्रिक लगाई फाइनेंस में आई आता है तो मैंने इसको इससे रिलेट किया ठीक है 243 फोर्टी आई और जेड डी तो देखिए डी आया है तो ये कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और बाद में बचा जेड ई क्योंकि मेट्रोपॉलिटन है इसमें ई e आ रहा है तो ऐसे करके अगर आप याद करेंगे क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं मोर देन 465 आर्टिकल्स हैं तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी याद करने के लिए ठीक है तो ये ट्रिक बेस्ट रहेगी तो ऐसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ओके तो अब हम देखेंगे इसका आंसर हुआ डी जो कि मैंने बताया 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 आई बेसिकली आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन जेड डी कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और जेड ई कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ओके तो आर्टिकल देखेंगे ये इलेक्शंस के बारे में पंचायत के क्योंकि मैंने बोला के तक 243 से लेकर 243 फोर्टी ओ जो है पंचायत के आर्टिकल्स हैं तो यहाँ इलेक्शन की बात की जा रही है पंचायत के और स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएंगी ठीक है उसके बाद उसको अपॉइंट कौन करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को बेसिकली गवर्नर अपॉइंट करेंगे ओके अब बात करेंगे 243 फोर्टी थ्री तो ये फिनेंस कमीशन के बारे में बात की, की जा रही है 243 फोर्टी थ्री आई इसमें फिनेंस कमीशन जो है रिव्यू करेगी फिनेंशियल पोजीशन बेसिकली एक सेंटर में बनती है आपकी फाइनेंस कमीशन फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन बनी थी ठीक है आप को पता होगा उनके चेयरमैन कौन थे एन के सिंह थे उनके चेयरमैन ठीक है तो सेम स्टेट में भी आपकी फिनेंस कमीशन होती है जो बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की फिनेंशियल पोजीशंस देखती है ओके अब आगे बढ़ेंगे और ये फाइव ईयर्स में बनती है सेम जैसे प्रेसिडेंट आपके सेंटर में फाइव ईयर्स में आर्टिकल 280 के थ्रू फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेम गवर्नर भी वही करते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अब बात करेंगे कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग तो बेसिकली जेड डी से तो आपको याद हो गया डी से जेड डी देट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की जो कमेटी है बेसिकली क्या करती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती है और ये बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों के जो ड्राफ्ट या प्लान्स होते हैं उनको देखती है ठीक है कि वो क्या बना रहे हैं ठीक है थेके? वो कैसे काम कर रहे हैं है, ओके अब बात करेंगे इसमें 243 फोर्टी ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की कमेटी है ये जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें ये कमेटी बनाई जाती है इसमें भी जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की कमेटी थी सेम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में भी आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों के मेंबर रहेंगे ओके इनका भी यही काम है कि जो भी ड्राफ्ट प्लान बनता है उनको देखना ठीक है प्रिपेयर करना बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शे लैप्स बाई रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और हाउस देर ऑफ तो सबसे पहले ये लेजिस्लेचर के बारे में बात करें ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट फिफ्थ यूनियन में पार्लियामेंट और इधर पार्ट सिक्स स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर ओके तो जो बिल लैब्स की बात है ना दोनों का सेम ही है दोनों की जो कंडीशंस हैं वो सेम है चाहे वेदर इट्स पार्लियामेंट वेदर इट्स आपका स्टेट लेजिस्लेचर तो देखेंगे इसमें पहला है कि बिल पेंडिंग जो होता है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में वो लैप्स हो जाएगा अगर प्रोरोगेशन यूज किया गया ठीक है बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन तो ये गलत है प्रोरोगेशन हो या एडजर्नमेंट हो इन दोनों के थ्रू अगर ये दोनों होते हैं ठीक है अगर जो एडजनमेंट मोशन होता है आपका बेसिकली एडजन करते हैं हाउस मतलब टर्मिनेट करते हैं एक सिटिंग और प्रोरोगेशन बेसिकली टर्मिनेट करते हैं पूरा सेशन इन दोनों में आपके जो बिल होंगे वो कभी भी लैप्स नहीं होंगे हां प्रोरोगेशन में क्योंकि गवर्नर या प्रेसिडेंट करेंगे तो इसमें आपके जितने भी नोटिस होंगे पेंडिंग नोटिस वो आपके लैप्स हो जाएंगे लेकिन प्रोरोगेशन और एडजनमेंट दोनों में ही आपके बिल लैप्स नहीं होंगे सिर्फ एक ही कंडीशन पर आपके बिल लैप्स होंगे दैट इज डिजोल्यूशन ओके और वो भी दो टाइप के डिजोल्यून

करेक्ट है क्योंकि कोई भी बिल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑरिजिनेट हो रहा है वो उसमें पेंडिंग है ऑरिजिनेट होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बिल पास नहीं हुआ है तो जितने भी बिल हैं सारे लैप्स हो जाएंगे ओके okay? ये सेम आपका क्राइटेरिया पार्लियामेंट में फॉलो होता है ये सेम क्राइटेरिया आपका स्टेट लेजिस्लेचर में फॉलो होगा अगर आपको पार्लियामेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी ईजी है दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay? तो ये करेक्ट है उसके बाद है बिल विच इज पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट विच हैव बीन पास बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इज पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल नॉट लैप्स ऑन रिजल्यूशन ये भी ये गलत है सिर्फ आपका सेकंड करेक्ट है मैंने बोला कोई भी बिल अगर ओरिजिनेट हो रहा है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में और उसके बाद लेजिस्टिव काउंसिल के पास है वो अगर वो वहाँ पे पास नहीं हुआ है तो सारे बिल लैप्स हो जाएंगे ठीक है हाँ अगर कोई बिल लेजिस्टिव काउंसिल में ऑरिजिनेट हुआ है और वो लेजिस्टिव काउंसिल में ही पेंडिंग है और अभी तक स्टेट लेजिस्टिव असेंबली में भी वो नहीं गया है, तो वो बिल आपके लैप्स नहीं होंगे ठीक है तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है अब आप देखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन कौन से रीज़न है कि जिससे बिल लैप्स होते हैं तो पहला रीजन होगा कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल इंट्रोड्यूस हो उस पर डिबेट हो रही है इस टाइम पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाएगा ठीक है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व हो गई है ठीक है और लेजिस्लेटिव और बिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है अप्रूव कर दिया है लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है अभी भी ठीक है तो वो भी लैप्स हो जाएगा थर्ड है आपका कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिजोल्यूशन होगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का रिजोल्यूशन होता है तो बिल जो होगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अप्रूवल के लिए पड़ा है तो भी वो लैप्स हो जाएगा ठीक है तीनों कंडीशन में होगा अब है बिल कब लैप्स नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा बिल लैप्स कब नहीं होगा बिल लैप्स नहीं होगा अगर वो बिल पेंडिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास नहीं हुआ है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा ठीक है तो लेजिस्टिव असेंबली में तो जाएगा ही नहीं दूसरा अगर कोई बिल जो है गवर्नर की या प्रेजिडेंट की एसेंट के लिए पड़ा है तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा तीसरा अगर उसको गवर्नर ने रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा है तब भी लैप्स नहीं होगा लैप्स कब हो के? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल ऑरिजिनेट हो रहा है या लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल ऑरिजिनेट होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया है ठीक है तो भी वो आपका बिल क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज हाँ ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बतानी है और इसमें बोला गया है आपको कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट है आप पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिस चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉर बिटवीन एज सिक्स टू फोर्टीन यर्स ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है इट इज़ इंसर्टेड बाई एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू ठीक है ये आपका इंसर्ट किया गया था 51 ए में दूसरा टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ सिक्स ईयर नो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है इट इज़ अ डीपीएसपी ओके ये डीपीएसपी है तो आप देखिए सेकंड जहां पे भी हो गया वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए अब थर्ड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वयमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवोर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर येस इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज डी पी एस पी ओके नेक्स्ट टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एबज वायलेंस इट इज ऑल्सो एन ये भी डी पी एस पी है उसके बाद है तो टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू तो पर्सन बिलो पोवर्टी लाइन तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है तो वन थ्री फोर ये तीनों आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है तो आंसर विल बी बी ठीक है तो आपकी ये रही फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या होती है मॉरल सिविक और मॉरल होता होते सिटीज़न पे जब हम राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए वही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आपके बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के टाइम पे लाई गई थी बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी और उस टाइम इंदिरा गांधी थी ठीक है वो लेकर आई थी और टेन ड्यूटीज थी आपकी उस टाइम पे लेटर ऑन एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू के थ्रू एक और ड्यूटी इंसर्ट की गई तो ये आपकी ड्यूटीज हैं फिफ्टी वन ए बी सी डी ई करके आपके पूरे के तक के रिसेंटली की तो इसमें कौन कौन सी फटाफट से एक बार देख लेते हैं तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे उसके आइडियल नेशनल फ्लैग को दूसरा जो भी नोबल आइडियल्स हैं ठीक है थीके? उनको चैरिश करेंगे तीसरा अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवन इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर टू उसके बाद फिफ्टी वन डी कंट्री को डिफेंड करेंगे ठीक है फिफ्टी वन ई हारमोनी कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करेंगे एफ अपना रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे फिफ्टी वन ए जी प्रोटेक्ट करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट को ठीक है फॉरेस्ट को ठीक है एच में डेवलप करेंगे साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमैनिज्म ओके साथ में आई पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे ठीक है उसके बाद ये आपके जे टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल मतलब कॉन्टिन्यूसली हम नेशन को अप, आ, बढ़ावा देंगे ठीक है उसके बाद फिफ्टी वन के यानी कि ड्यूटी है पेरेंट्स और गार्जियंस की कि उस आपके को अपने जो, आ, जो भी बच्चे हैं उनको सिक्स टू फोर्टीन तक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ठीक है तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ओके उसके बाद अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट तो पहला स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट आर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट इट इज नॉट करेक्ट दूसरा स्टेटमेंट टू द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेड जस्टिसेबल दोनों करेक्ट है दोनों रिवर्स एक्चुअली फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है ठीक है और डीपीएसपी जो है आपका नॉन जस्टिसबल है फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार ठीक है ये जस्टिसबल है क्योंकि ये प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल का वेलफेयरिज्म ठीक है और डीपीएससी बेसिकली क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें स्टेट के ये डायरेक्टिव्स हैं कि जब भी वो कोई रूल्स पॉलिसी बनाएंगे तो इनको ध्यान रखते हुए बनाएंगे ठीक है उसमें पूरा कम्युनिटी का वेलफेयरिज्म है और फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिविजुअल का क्या है वेलफेयरिज्म well है ओके okay? तो जस्टिसबल आपके फंडामेंटल राइट्स हैं डीपीएसपी आपके जस्टिसेबल नहीं है फंडामेंटल राइट्स आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं और डीपीएसपी आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देते हैं ओके okay? तो आगे बढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स आपको दे पार्ट थर्ड में है फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव और जो आपके डीपीएसपी है वो पार्ट फोर्थ में फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ठीक है अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशानंद भारती केस इन 1973 इट इज करेक्ट उसके बाद स्टेटमेंट टू इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रॉन्ग क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के के पास कंप्लीट पावर नहीं लिमिटेड पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लेकर आए थे हमारी जुडिशरी ओके okay? तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग में तो देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जितने भी पर्सनस थे जो भी प्राइम मिनिस्टर बने या जो भी मिनिस्टर बने उन सब ने इंडिया के फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल किया उन्होंने इंडिपेंडेंस में ठीक है तो उन सब के ऊपर पूर्ण भरोसा था हमारी जुडिशरी को ठीक है वो इंडिया के अगेंस्ट ऐसा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं करेंगे जो भी करेंगे इंडिया के लिए करेंगे कंप्लीट ठीक है तो स्टार्टिंग के जो दो केस आए ना आपके शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस ठीक है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस ठीक है सज्जन सिंह केस ये आपका 1950 में आया एक 51 में आया सॉरी और एक आप आ, आपका आया 19 56 65 में ठीक है 1965 में इन दोनों ने बोला पार्लियामेंट के पास यू हैव ऑप्सल्यूट पावर टू अमेंड ठीक है कि आप अमेंड कीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जहां आपको लगता है वेलफेयरिज्म के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर अब क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट के पास पावर आ गई क्योंकि लेजिस्लेचर अपने हाथ में है ठीक है तो उन्होंने इसका मिस किया ठीक है फिर गोलकनाथ केस हुआ 1967 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि आपके पास कंप्लीट पावर नहीं है आप फंडामेंटल राइट्स को बेसिकली क्या नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते ठीक है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल ये आपके गोलकनाथ केस में बोला गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर आपका आया केशवनंद भारती केस केशवनंद भारती केस ठीक है 1973 इसका इस केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ढांचा वो स्ट्रक्चर जो लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती ठीक है और ये कहीं भी डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये टाइम टू टाइम जुडिशरी बताती है जैसे बहुत सारी चीज़ें टू अपहोल्ड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फेडरलिज्म हो गया है रूल ऑफ लॉ हो गया है ये सब चीज़ें क्या है आपकी या लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है ठीक है वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो ये रहा आपका ठीक है अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आगे हाँ जी तो ये आपका क्वेश्चन है शेड्यूल के ऊपर ठीक है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बता रखा है इसकी बेसिक ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम तो टी से टेरिटरी ई e से इमोल्यूमेंट देन ए से एफर्मेशन आर से राज्यसभा देन एस से शेड्यूल एरियाज ओ से अदर शेड्यूल एरियाज एफ से आपका फेडरल प्रोविजन ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज एल से लैंड रिफॉर्म डिफेक्शन पी से पंचायत म्यूनसिपैलिटी ये आपके 12 शेड्यूल है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे अब 12 शेड्यूल हो सकते हैं आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली यूनियन और टेरिटरी के बारे में सेकेंड शेड्यूल जो है आपका ई इमोल्यूमेंट्स के बारे में इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेज सैलरी फिर आपका ए यानी कि थर्ड शेड्यूल एफॉर्मेशन ओथ के बारे में फिर फोर्थ शेड्यूल आर यानी कि टीयर्स आर है ना आर तो राज्यसभा का सीट एलोकेशन उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल आपका एस शेड्यूल एरियाज के बारे में फिर सिक्स शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में आपका ये भी है ऑफ ओ से अदर शेड्यूल एरियाज फिर आपका सेवन्थ शेड्यूल में एफ यानी कि फेडरल प्रोविजन जिसमें आपकी तीनों लिस्ट हैं ठीक है यूनियन स्टेट कनकरेंट लिस्ट ठीक है यूनियन लिस्ट में आपके हंड्रेड सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आपके सिक्सटी वन और कनकरेंट लिस्ट में आपके 52, टू okay? ओके उसके बाद एट शेड्यूल में देखेंगे हमारी 22 लैंग्वेज है ओरिजिनली हमारी 14 लैंग्वेजेस थी ठीक है उसके बाद इंसर्ट की गई नाइन्थ शेड्यूल में ठीक है ये आपका नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया था जिसमें पार्लियामेंट चाहता था कि जुडिशरी इस पर अपना जुडिशल रिव्यू ना दे तो पहले एक नाइन्थ शेड्यूल बनाया था ठीक है लेकिन फिर उसके बाद ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी थ्री के बाद जितने भी केस नाइन्थ शेड्यूल बने बनेंगे आप जुडिशरी उन पर जुडिशल रिव्यू दे सकते हैं मतलब तो जुडिशरी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ बनाए जाते थे वो नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिए जाते थे ठीक है फिर टेंथ्यू शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एटी फाइव के थ्रू आया गया फिर आपका इलेवंथ शेड्यूल दैट इज़ पंचायत जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन टू फिर जिसमें आपके ट्वेंटी आ चुका है ठीक है फिर ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स गवर्नमेंट को डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऑन ग्राउंड रॉन्ग एक्चुअली इट इज रॉन्ग क्योंकि आर्टिकल 356 में आपकी बात की गई है प्रेसिडेंट रूल की ठीक है और प्रेसिडेंट रूल में कोई एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट के बारे में बात नहीं की गई है अगर स्टेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या सेंटर की कुछ डायरेक्शंस नहीं मान रही है तो प्रेजिडेंट रूल लगता है या फिर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है, ठीक है दो चीज़ों में अब बात करेंगे वंस एन एमरजेंसी तो ये रॉन्ग है तो आपका ये जो स्टेटमेंट है जहां भी वन है स्टेटमेंट हम हाँ उसको हटा देंगे ओके okay? हमारे पास ये बचे सेकंड स्टेटमेंट है आपका जैसी इमरजेंसी लगेगी जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर्स है वो यूनिटरी हो जाएगी यस इट इज़ करेक्ट ठीक है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट हमारी पावरफुल बन जाती है एट द टाइम ऑफ आपके नेशनल इमरजेंसी या फिर मैं बात करूं इमरजेंसी लगती है फोर्टी सेकेंड अमेडमेंट एक्ट वॉज ऑल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी यस फस फोर्टी सेकेंड अमेडमेंट एक्ट पास किया गया था ठीक है साथ में अमंग वेरियस चेंजेस मेड बाय फोर्टी सेकेंड अमेडमेंट एक्ट जिसमें ड्यूरेशन जो बढ़ाया गया लेजिस्लेचर का वो फाइव टू सेवन ईयर्स बढ़ाया गया गलत ये गलत है ठीक है ऐसा नहीं हुआ ओके तो आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है ये तो बेसिकली प्रेजिडेंट रूल जो होता है मैंने बताया था अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है फेल हो जाती है ठीक है मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है स्टेट तो उनके ऊपर प्रेजिडेंट रूल लगाया जाता है ओके तो तीन टाइप की इमरजेंसी होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है तीन टाइप की इमरजेंसी होती है एक आपका आर्टिकल वैसे बेसिकली पार्ट एटीनथ में आपके पार्ट पार्ट एटींथ ठीक है फ्रॉम आर्टिकल 352 से 60 तक आपकी एमरजेंसी है ठीक है तो आपकी 352 में नेशनल इमरजेंसी 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी तीन बार लगी है हमारी ठीक है और प्रेसिडेंट रूल तो बहुत ही बार लग चुके हैं ठीक है थीके? और 360 में जो फिनेशियल एमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है ठीक है जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पूरा बताऊंगी ठीक है अभी फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट में देखिए क्या क्या है तो फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं रीजन बहुत सारी चीजें इंसर्ट की गई बहुत सारी चीजें अमेंड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपका प्रियम्बल प्रियम्बल में आपके तीन वर्ड इंसर्ट की गई दट इज सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी सेवंथ शेड्यूल में जो आपकी तीन लिस्ट मैंने अभी आपको बताया यूनियन स्टेट कानकरेंट तो पहले स्टेट लिस्ट में 66 सिक्स सब्जेक्ट थे अब वो 61 कर दिए फाइव सब्जेक्ट्स जो थे वो कानकरेंट लिस्ट में डाले जो आपके हैं एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड वेट एंड मेजर साथ में आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ठीक है फंडामेंटल ड्यूटीज ये सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई टेन फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी ओके उसके बाद ये ही बताया था मैंने इलेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी आपके एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू के थ्रू इंसर्ट की गई उसके बाद डी में भी जितने भी ट्रिक है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी चीज़ें इंसर्ट की गई डी में जिसमें भी जो इन आर्टिकल्स में बाद में ए आ रहा है ना वो सारे के सारे फोर्टी सेकेंड एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया है जैसे बस 39 को छोड़ के मैं बात करूं क्योंकि इसमें बाद में कोई अल्फाबेट नहीं है 39 ए हो 43 ए हो या 48 ए हो 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए 48 ए जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और 39 तो आपको जानते ही हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ठीक है अपॉर्चुनिटीज के लिए अब बात करेंगे पार्लियामेंट बहुत सारे से सा, आर्टिकल टू कि स्टेट के पास सॉरी सेंटर के पास ये आ, सेंटर को अलाउ किया गया कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं सेंट्रल फोर्स दैट इज पैरामिलिट्री इन स्टेट अगर लॉ लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं अब बात करते हैं जुडिशरी की तो जुडिशरी में भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट की गई बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट फिर पार्ट फोर्टीन ए दैट इज ट्रिब्यूनल जो कि थ्री ट्वेंटी थ्री ए थ्री ट्वेंटी थ्री बी ये ऐड किया गया इंसर्ट किया गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ेंगे दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म बाय कॉन्स्टूट असेंबली इन द करेक्ट सिक्वेंस ठीक है तो सबसे पहले नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करूंगी मैं ये आपका ट्वेल्थ दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को आया फिर आपका जो अडॉप्शन हुआ नेशनल फ्लैग का ये आपका हुआ ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक फिर अंबेडकर जी की फर्स्ट स्पीच फोर्टी एट में हुई थी हाँ नाइनटीन फोर्टी एट में आई थिंक नाइन नवंबर है डेट कन्फर्म नहीं है मुझे फिर कॉमनवेल्थ मेंबरशिप तो ये आपकी नाइन्थ में नाइनटीन फोर्टी नाइन ठीक है ये आपकी हुई है तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा बट थोड़ा सा गलत हुआ है फोर टू वन थ्री है हाँ फोर टू वन थ्री तो या आप देख लेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ठीक है अभी मैं बात करूं हमारा नेशनल फ्लैग ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को अडॉप्ट किया इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमन मे नाइनटीन फोर्टी नाइन को रेटिफाई की उसके बाद नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग इवन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट है वो ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को इलेक्ट हुए ये सब चीज़ें इस टाइम ली और फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपके नाइनटीन फिफ्टी वन में हुआ अब बात करते हैं आर्टिकल फिर से आर्टिकल आ गए मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट तो देखिए इसमें से आपका सेवेंटी सिक्स ये आपके अटॉर्नी जनरल के लिए अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे जो एडवाइस देते हैं वो अटॉर्नी जनरल देते हैं ठीक है और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उससे ही रहते हैं 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है 72 टू दैट इज पार्डिंग पावर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रही है ये फिर सिक्सटी वन दैट इज इम्पीचमेंट ओके इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेजिडेंट ठीक है अब बात करेंगे सिक्सटी प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट तो कैसे इम्पीच होते हैं प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट को इम्पीच करने के लिए पहले वन फोर्थ जो भी ये डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन पास होगा वन फोर्थ मेंबर उसको साइन करेंगे देन फोर्टीन डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेजिडेंट को आफ्टर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको अप्रूव कर देता है फोर्टीन डेज का नोटिस दिया जाएगा आपके प्रेसिडेंट को उसके बाद वो जो रेजोल्यूशन है वो टू थर्ड मेंबर टू थर्ड मेम्बर से प्रेजेंट इन वोटिंग से वो जो रेजोल्यूशन है वो पास अगर होता है फिर उसके बाद सेकेंड हाउस में अगर पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेजिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा ये आपका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है ठीक है अब बात करेंगे आपके पार्डन की तो इसमें पार्डन कम्यूटेशन रिप्राइव रिस्पाइट और रिमिशन की बात की गई है फिर बात करेंगे आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लाइफ होती है ना वो होती है सिक्स मंथ सिक्स वीक ठीक है और ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती और गवर्नमेंट को लगता है कि कोई लॉ लाना जरूरी है तब ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लॉ लाया जाता है उसकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ होती है सिक्स मंथ सिक्स वीक और क्योंकि आर्टिकल सेवेंटी फोर के थ्रू जो है हमारे प्रेजेंट बाउंडेड है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ठीक है बाई एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओके अब बात करेंगे आगे बढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल की मैंने बता दिया आपको इनको अपॉइंट किया जाएगा जज ऑफ़ सुप्रीम कोर्ट तो ही अटॉर्नी जनरल बनते हैं और इनका काम वही है लीगल मैटर्स पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना फिर आपकी बात करेंगे मैच लिस्ट विंड मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो एस्टिमेट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी रूल कमेटी और डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी तो सबसे इजी एस्टिमेट कमेटी को याद रखना है एस्टिमेट कमेटी बेसिकली बजट के लिए बैठती है इसमें थर्टी मेंबर्स होते हैं और इसके सिर्फ और सिर्फ मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं ओके okay? फिर बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी रूल्स कमेटी रूल्स कमेटी में आपके जो मेंबर होंगे फिफ्टीन मेंबर्स होंगे लोकसभा की और सिक्सटीन राज्यसभा के डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में ट्वेंटी टू मेंबर्स होंगे फिफ्टीन फ्रॉम लोकसभा सेवन फ्रॉम राज्यसभा देन आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपके थर्टी वन है तो ऐसे याद रखना है कमेटी मैं बता चुकी हूं आपको ठीक है ये 1921 में ही बैठ गई थी ठीक है ट्वेंटी फाइव मेंबर्स थे स्टार्टिंग में उसके बाद इंक्रीज करके आपके थर्टी बनाए गए ठीक है सिर्फ लोकसभा से ध्यान रखिएगा कोई मिनिस्टर जो है एस्टीमेट कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। और स्पीकर जो चेयरमैन बनाएंगे वो स्पीकर अपॉइंट करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है इसका पर्पस है गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो भी स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट उसका ऑडिट करना ठीक है इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ठीक है उसके बाद 22 मेंबर 15 फ्रॉम लोकसभा 7 फ्रॉम राज्यसभा देन पी के थ्रू इसके जो मेंबर्स हैं इलेक्ट किए जाते हैं वन ईयर का टाइम होता है ठीक है और कैब को फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड कहा जाता है इस कमेटी का ठीक है क्वेश्चन आ चुका है रूल्स कमेटी आर्टिकल 118 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इसमें अगर कोई रूल्स अमेंड करने हैं तो ये दोनों कमेटी दोनों हाउस में है ठीक है और कोरम वाली कोई बात नहीं है इसमें अब है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दो टाइप की कमेटी बनाई है स्टैंडिंग कमेटी एडहॉक कमेटी स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली परमानेंट कमेटी है और एडहॉक कमेटी टेम्परेरी कमेटीज होती है जो टाइम टू टाइम कोई भी जो भी टेम्परेरी प्रोविजन है सब्जेक्ट है उस पर एडहॉक कमेटी बैठती है ठीक है सबसे पहले नाइनटीन में बैठाई गई थी ट्वेंटी फोर है थर्टी वन होते हैं ट्वेंटी लोकसभा से और टेवन राज्यसभा से ठीक है बात करेंगे फिर से आर्टिकल्स आ गए आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपका 265, 266, 267 और 263 तो हमें कुछ आर्टिकल्स तो रटे होने चाहिए जैसे आर्टिकल 263 सिक्सटी थ्री दैट इज़ इंटर स्टेट काउंसिल जब भी स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है ठीक है 267 आपका बेसिकली कॉन्टीजेंसी फ़ंड कॉन्टीजेंसी फ़ंड आपकी एमरजेंसी फ़ंड होता है क्योंकि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया तीन टाइप के फंड होते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ठीक है Fund of India, Fund of India, of India, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जितना भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है टैक्स जितना भी टैक्स रिवेन्यू जितना भी रेवेन्यू उसमें जाता है तो इससे जो भी बजट वगैरह अपना पास करती है जो भी कलेक्शन वहाँ से लेती है वो सब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकलता है लेकिन इसमें दो महीने का पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है ठीक तो है तो कभी इमरजेंसी भी आ सकती है फ्लड आ गए हैं तो उस टाइम दो महीने तो नहीं रुक सकते इसलिए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया ठीक है ये बेसिकली यूनियन में भी है और स्टेट में भी है ठीक है एमरजेंसी फंड है फाइव हंड्रेड करोड़ का इसमें स्पेंडिंग करने के बाद जो होता है वेरिफिकेशन वगैरह होता है ठीक है और फिर आपका आया टू सिक्सटी फाइव यह है टैक्सेज नॉट टू बी इंपोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ठीक है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ठीक है ये वो आर्टिकल है तो आपको आर्टिकल कुछ याद होने चाहिए ओके ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये रहे आपके तीनों मैंने बता दिया कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 500 है और अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर ठीक है ये है पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए जब एक्सपेंडिचर हो जाए ठीक है और 266 सिक्सटी सिक्स वन आपका कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया 267 आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और आर्टिकल 266 सिक्सटी सिक्स क्लाज टू दैट इज़ पब्लिक अकाउंट ठीक है ये सब जो भी आपके रिवेन्यू है या जो भी मनी है आपका जो कि आपकी कंटीजेंसी फंड में या कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में नहीं है वो सब इसमें आएगा अब बात करेंगे आपके एजर्शन ठीक है अगर फेडरलिज्म इन इंडिया इन रिसेंट ईयर मूविंग फ्रॉम कॉपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरलिज्म सिस्टम रीजन रेजिडरी पावर ऑफ आर लाइंग विद द सेंटर तो ये करेक्ट है बिल्कुल ठीक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म है फेडरलिज्म बेसिकली डिवीजन ऑफ पार्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ठीक है तो ये दोनों ही बात करेक्ट है ओके okay? अब नेक्स्ट देखेंगे ये कमिटीज़ हैं आपकी ठीक है कमेटी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चेयरपर्सन तो लैंग्वेज अब जितनी भी यूनियन पावर कमेटी है ये जवाहरलाल नेहरू तो आप ऐसे मार्क कर सकते हैं ठीक है टू से मैंने वहां पे मार्क किया ठीक है कौन सा पेयर है ये तो गलत हो गया ठीक है और इसके बाद माइनॉरिटी कमेटी फंडामेंटल राइट सब कमेटी ठीक है तो ये भी सही है ये भी ठीक है और आपके ये दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हैं ठीक है थीके? ये दोनों इनकरेक्ट है तो आपके इसमें तीन कमेटी जो है तीन कमेटी सही है थ्री पेयर्स हाँ तो ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज कमेटी एस के धर कमेटी यूनियन पावर कमेटी आपकी ठीक है जवाहरलाल नेहरू माइनॉरिटी कमेटी एच सी मुखर्जी वहाँ पे भी था फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे बी कृपलानी और साथ में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन थे इनमें से ही कोई थे ठीक है सो यू हैव टू राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन ओके और ये कुछ आपकी मेजर कमेटी है ठीक है जैसे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर की थी ठीक है एडवाइजरी कमेटी आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है साथ में आपके ट्राइबल से रिलेटेड और जितने भी एक्सक्लूडेड एरियाज है ए वी ठक्कर रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी प्लस स्टीयरिंग कमेटी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी ओके और यूनियन पावर यूनियन कॉन्टीट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स तो मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंट द बिल ऑफ राइट नाइनटीन इट इज रॉन्ग क्योंकि नाइनटीन में प्रेजेंट किया था ठीक है नाइनटीन में प्रेजेंट किया था ठीक है तो ये है आपका कि बिल ऑफ राइट प्रोबिट करता है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगी यस गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन द एक्साइज ऑफ फंडामेंटल राइट यस ये दोनों ही करेक्ट हैं तो आंसर विल बी टू एंड थ्री ठीक है और ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी पब्लिश हुई थी 1928 में लॉर्ड ब्रिकन हेड इंडिया सेक्रेटरी थे उस टाइम पे और नाइन मेंबर्स थे नाइन मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू अली इमाम तेज बहादुर सप्रू माधव श्रीहरि अने मंगल सिंह शोएब कुरेशी सुभाष चंद्र बॉस और आपके जी आर प्रधान तेज बहादुर सप्रू हूं या आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये दो मेंबर्स वो हैं जो कंटिन्यूस जो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी उनमें ये प्रेजेंट थे ठीक है इसके बाद इससे परेशान होकर या इससे डिसएग्री करते हुए जो जिन्ना थे उन्होंने क्या किया था फोर्टीन पॉइंट्स अपने दिए थे ठीक है जिन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे ठीक है उनका मेन ऑब्जेक्ट वही था ऑब्जेक्टिव कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए ठीक है रेजिडरी पावर चाहिए बट वो सब चीज़ें नहीं थी ठीक है अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल आर बींग यूज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट्री एंड असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएंस इज नाउ कंसिडर द फॉइंग स्टेटमेंट तो फर्स्ट है कि ईवीएम वर्ड फर्स्ट यूज ऑन पायलट बेसिस इन थ्रू सर असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी इन केरला इट इज करेक्ट ईवीएम को मैनुफैक्चर किया था इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया या बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इट इज ऑल्सो करेक्ट VVPAT सबसे पहले आपके अरुणाचल प्रदेश में यूज़ किए गए गलत सबसे पहले नागालैंड में यूज़ किए गए थे ठीक है VVPAT में एडिशनल यूनिट होती है ईवीएम में यस yes होती है जो कि सिर्फ सीरियल नंबर और सिंबल रखती है नहीं कैंडिडेट का नाम भी रखती है तो ये भी गलत तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो वन और टू होंगे ठीक है तो ईवीएम ये वाला करेक्ट है कि ईवीएम फर्स्ट यूज़ की गई थी आपकी सिरोसर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला दूसरा मैनुफैक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तीसरा नॉक्सिन वे असेंबली में यूज़ किया गया था सबसे पहले वी वी पी एटी जो कि आपका 2013 में और वी वी पी एटी एडिशनल यूनिट अटैच्ड है ई वी एम पे लेकिन ये क्या करता है कैंडिडेट का नाम सिंबल और सीरियल नंबर भी प्रिंट करता है ठीक है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ठीक है तो 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की 88 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया स्पेशली इसके लिए सिक्सटी ए साथ में आपके 1990 में एक रिफॉर्म कमेटी बैठी गई 2000 में ई को यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया 2013 में वी वी के वी को यूज़ करने के लिए और लास्ट टू में असेंबली इलेक्शन गोवा गुजरात में हुए ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू